नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। अपने भाषणों में माफियाओं और गुंडों को उनके औकात बताने वाले योगी आदित्यनाथ आज खुद ही घिरते जा रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे हालात बने हैं कि बीजेपी विधायक ही योगी के पसीने छुड़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होना मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी है। इसके साथ ही साथ मोदी शाह के सपनों को सबसे ज्यादा झटका यूपी से लगा और अब तो सरकार चलाने में भी दिक्कत आने लगी है। नीतीश अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं तो नायडू अलग तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपी में 33 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और इसी से मोदी बीजेपी को सदमा लगा। अब कहा जा रहा है कि योगी को हटाने की तैयारी चल रही है, इसी को लेकर बैठकों पर बैठक भी की जा रही है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची है और सभी कहने लगे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर योगी को निपटाया जा सकता है। पहले इसके लिए माहौल बनाया जाएगा, फिर धीरे से हटा दिया जाएगा। उसी कड़ी में योगी के खिलाफ यूपी में माहौल भी बनना शुरू हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों की बात सही होने लगी है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बताते हैं हम आपको कि कौन है साहब। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं विधायक जी। ये विधायक जी बीजेपी से हैं और जौनपुर की बदलापुर सीट से आते हैं। नाम है रमेश मिश्रा। जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर योगी के खिलाफ जंगे ऐलान कर दिया और साफ तौर से योगी को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत खराब है और 2027 जीतना मुश्किल है। बीजेपी के विधायक की माने तो मौजूदा सरकार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे अब यूपी में ही योगी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। लग रहा है बहुत जल्द योगी को निपटा भी दिया जाएगा। जो बात योगी के जौनपुर विधायक कह रहे हैं यही बात राजनीतिक विश्लेषक पहले से कहते आ रहे हैं और उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक महीने से ज्यादा समय हो गया लेकिन केंद्र और योगी सरकार ने अभी तक एक भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हालात काफी खराब हैं और विपक्ष की छवि अच्छी उभर कर आएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि योगी की हालत क्या है और योगी के उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। ये पहली बार है कि योगी की बेइज्जती सोशल मीडिया पर खुलकर हो रही है। योगी को एक दबंग सीएम के तौर पर देखा जाता है जो खुले तौर से गुंडा माफियाओं की हेकड़ी निकालते रहे हैं लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी की हेकड़ी खुद बीजेपी विधायक निकाल रहे हैं। रमेश मिश्रा की माने तो अगर 2027 विधानसभा जीतना है तो केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला करना होगा और यूपी के चुनाव में पूरी तरह से फोकस करना होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को चुनाव में मन से लगना होगा तभी बीजेपी दोबारा जीत पाएगी। आप जानते हैं किसी 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। इससे पहले बीजेपी विधायक का योगी के खिलाफ मोर्चा खोलना क्या दर्शाता है देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले एक बैठक बीएल संतोष के नेतृत्व में हो चुकी है जिसमें योगी के खिलाफ पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि अधिकारी संविधान जाति आरक्षण की वजह से हारे हैं। अब देखना होगा कि 14 जुलाई की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है लेकिन उससे पहले योगी के पसीने छूट रहे हैं। हम एक बार फिर वीडियो आपको सुनवाते हैं, सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कब तक योगी जी सीएम बने रहते हैं। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है
कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सकेगी।